खबर कानपुर महानगर से है, जहां लाल इमली कर्मचारियों ने 36 महीने का वेतन, 2 साल का बोनस और 8 साल का लीव एनकेशमेंट व 2017 से रिटायर कर्मचारियों का संपूर्ण भुगतान को लेकर विधायक से 36 महीने के वेतन की बात कही। सुरेंद्र मैथानी विधायक ने बताया कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका बकाया वेतन की मांग सरकार से करेंगे। मजदूरों को वेतन दिलाना होगा, साथियों, आपका जिसको इंतजार था, कानपुर का जिसकी विधायक युवा हृदय नौजवानों के मसीहा, गरीबों मजलूमों के मसीहा, विधायक जी के दरबार में कोई भी गया है खाली नहीं आया है। मेरे दोस्तों, आज उसी के तहत हम लोग उस दिन विधायक जी के आवास पर गए थे। आज विधायक जी को सारे इनको बताए थे, विधायक जी को कि सारा कर्मचारी आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। विधायक जी ने रोका, क्यों? आज ये मैनेजमेंट इस पर कुंडली पर उठा। लाल इंडी के मजदूर लगातार 36 महीने की वेतन की मांग कर रहे हैं। बड़ी की आवाज लगा के पहले भी आप इनका मार्गदर्शन कर चुके हैं, क्या उनको? हाँ देखिए, मैं मानता हूँ कि लाल इमली के मजदूर भाइयों की बहुत बड़ा संकट ये कोरोना के समय में उनको पैसा ना मिलना, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, और सबसे बड़ी बात रोटी को लेकर के। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब एक छोटा सा चाय बेच के अपने ठेले पे चाय बेचने वाले को भी दिक्कत आती है, एक छोटे से होटल चलाने वाले को, किसी मूँगफली बेचने वाले को दिक्कत आती है, तो इनके पास तो कोई साधन ही नहीं है। मैंने इस बात को रखा है और मैं अभी रखने जा रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर इनको कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी। लगातार दिल्ली के मैं अपनी सरकार के टच में हूँ। नीति आयोग का जो भी निर्णय है उसके लिए मैंने कोई विरोध नहीं। जो नीति आयोग का निर्णय है ठीक है, हम सब लोग मानते हैं, लेकिन हमारा विषय मुख्य रूप से ये है कि यहाँ के लाल इमली मजदूरों को पैसा अविलंब मिले। जो तकनीक थी उनकी कागजों की कार्रवाई की, उस कार्रवाई को भी पूर्ण करा दिया गया है और अब कैबिनेट में इसका विषय जा रहा है। कैबिनेट में विषय जाने के बाद मुझे लगता है इसमें अविलंब भुगतान होगा। समय थोड़ा सा बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन खबर इनको 10-15 दिन के अंदर कोई अच्छी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। देखिए, मैं हमारा काम है, मेरा कर्तव्य है कि अगर लोगों ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, मैं चाहे राज्य सरकार से हूँ चाहे केंद्र सरकार से, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सरकार के प्रतिनिधि के नाते खड़ा हूँ। मेरा कर्तव्य है इन लोगों के लिए संघर्ष करना, इनकी बात को रखना, परिणाम ईश्वर के हाथ पे भी, और हमारी सरकार से कैसे संपर्क करना है, कैसे बात करनी है, कैसे इसका निस्तारण करना है, इसको मैं भली भांति जानता हूँ।